हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। आज डीएस का चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, दूसरे में हमें पढ़ा था मात्रक के बारे में, मात्रक क्या होता है। और जो है तीसरे लेक्चर में, यानी कि रिसेंटली हमने पढ़ा कि आपका जो है गति क्या होती है, और उसके बाद पढ़ा हमने कार्य क्या होता है। आज का जो चौथा लेक्चर है वो हमारा होने वाला है टोटली प्रकाश के ऊपर। अब प्रकाश का एक सिंपल सी एक चीज मैं और बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स का बहुत बढ़िया टॉपिक ये है। प्रकाश के अंदर क्या होता है दोस्तों, एलडीसी का मैंने अभी सिलेबस देखा है, मेरे को बहुत सारे कमेंट भी मिले हैं कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। दोस्तों ये सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि हम यहाँ पे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसे ये प्रकाश जो है सभी सिलेबस में है, ठीक है ना। आप एलडीसी का भी सिलेबस उठाएं, महिला सुपरवाइजर का सिलेबस उठाए, व्हाटएवर किसी का भी उठाएं, आरआईएस का उठाएं, सबके अंदर ये आता है। अब दिक्कत ये है, एलडीसी के अंदर जो है दिया हुआ है वही कंफ्यूजिंग है। वहां पे लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और उसके बारे में फिर दर्पण भी उसके अंदर आता है, ठीक है ना। दर्पण के बाद क्या आएगा, लेंस भी आता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उसके बाद निकट दृष्टि दोष भी आता है और दूरदृष्टि दोष भी आता है। अब ये सारी चीजें किस में आती, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले टॉपिक में। तो कहीं ना कहीं होना ऐसा चाहिए था एलडीसी के अंदर भी, मैंने वो सिलेबस देखा, वहाँ पे बोर्ड ने थोड़ी चालाकी खेली, क्योंकि स्टूडेंट फिर जो है कन्फ्यूज हो। तो बहुत सी बार आप पेपर देने दे के आने के बाद बोलते हैं ना कि सर पेपर में से कुछ नहीं आया, सिलेबस में था नहीं, तो इस वजह से होता है वो। दोस्तों प्रकाश का प्रावर्तन अगर आपको पढ़ना है तो वो सिंपल ऐसी बात है कि पहले अगर आपको रामलाल के जो है लड़कों के बारे में जानना है, तो सबसे पहले रामलाल से मिलिए, क्योंकि रामलाल ही तो के ही तो लड़के हैं वो। और रामलाल के लड़कों से मिलोगे तो रामलाल से पहले मिलना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो इजाजत देगा तो अपने लड़कों से मिलने देगा। उसी प्रकार से प्रकाश का परिवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, निकट दृष्टि दो, दूर दृष्टि दो, दर्पण, प्रतिबिंब, उत्तल अवतल, सब जानना है तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानिए। तो प्रकाश मेन टॉपिक है, आज इसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आओगा, यहां पर हम पढ़ेंगे इसी इसी वीडियो लेक्चर में चलेगा सब कुछ, प्रकाश क्या होता है। उसके बाद प्रश्न इसी बन जाता है कि इसका जो है रेंज क्या होती है, बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। आगे हम देखेंगे वस्तुएं किस प्रकार से प्रकाश से पारदर्शक, बार बार प्रश्न बनते हैं अपारदर्शक वस्तुएं क्या होती है, बहुत बार जीएस में पूछा गया है। छाया क्या, इसके बारे में पूछा गया। प्रकाश का संचरण और प्रकाश की चाल किस प्रकार से होती है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है, ये सारे प्रश्न बनते हैं, जबकि इसका नाम नहीं लिखा गया है एलडीसी के सिलेबस में। हालांकि हम सभी की तैयारी कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो सभी चीज को अपन देख रहे हैं। और बेसिकली उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन के बाद आता है अपवर्तन, जो कि हम देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद भी एक टॉपिक और आपका आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, और उसके बाद आता है प्रतिबिंब। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लेंगे। अब प्रकाश जो है दोस्तों इतना छोटा टॉपिक नहीं है, दिस इज ए लार्ज टॉपिक, बड़ा टॉपिक है, और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इस प्रकाश प्रकाश को कंप्लीट करने में हमें लगभग 2 से 2.5 जो है लेक्चर लगेंगे, ठीक है। हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में, ये आप कंफर्म 100% मान लीजिए, ये 2.5 लेक्चर में आपका प्रश्न बनेगा, क्योंकि हर एक सिलेबस में ये है और हर एक बार ये पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं प्रकाश। सबसे पहली बात आती है कि यार प्रकाश ये कौन है, कोई व्यक्ति है, कौन है ये। तो सबसे पहली बात, प्रकाश जो है वो कुछ नहीं है, ऊर्जा है। प्रकाश इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। होता है क्या है, जो आप बैटरी जलाते हो ना, ये आपकी बैटरी है, जैसे ही जलाई ऐसे लाइट निकलेगी। तो लाइट निकलती है तो लाइट नहीं है, इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। ऐसे छोटे छोटे पैकेट होते हैं प्रकाश के कण में एनर्जी के, ठीक है ना, तो वो निकलते हैं। अब कार्य क्या करते हैं, जैसे ही प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा तो वो वस्तु हमें नजर आएगी। क्यों नजर आएगी वो भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मेन बात ये जानने वाले जरूरी है कि बेसिकली फिजिक्स ये मानता है प्रकाश को हम देख नहीं सकते। बहुत नई बात आपको बता रहा हूं, पता भी नहीं होगा, साइंस वालों को भी नहीं होगा पता, प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, ये रियलिटी है। हम प्रकाश को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिस प्रकार हवा को नहीं देख सकते ना, अब कैसे देख नहीं देख सकते हैं? आप कहेंगे सर यहाँ से निकल के जाती है ना ये सफेद सफेद जो प्रकाश होता है, ये किरणें हमें दिखती है। दोस्तों ये किरणें आपको नहीं दिख रही है, आप इसके सामने हाथ लाइएगा, आपका हाथ आपको दिखेगा। आप प्रकाश के माध्यम से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। सिंपली आपने सनलाइट्स होती है, आपने कभी देखा बाहर रास्ते में आप चल रहे हैं कहीं भी, आप देख रहे हैं, आपको कभी प्रकाश की किरणें कमरे के बंद के अंदर भी नहीं दिख रही होगी, नहीं दिखती है ना। कई बार ज्यादा रेंज का प्रकाश होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी वाली लाइट होती है, तो आपको डायरेक्टली एनर्जी नजर आती है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं।
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अपन कि प्रकाश के माध्यम से वस्तु को देखेंगे कैसे। कोई भी वस्तु है, ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक आपको देखना है, ठीक है। क्या करेंगे, होता क्या है कि सूर्य अपने पास इन्फाइनाइट प्रकाश देने वाला सोर्स है, मतलब अनंत प्रकाश है उसके अंदर, तो वो फ्री में देता है, सबसे बड़ी बात ये। तो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य की कोई किरण आई, किरण आकर जैसे इस वस्तु से टकराएगी, इस वस्तु टकराकर आपकी आंख पर पड़ेगी तो आपको ये नजर आ जाएगी। आपकी आंख में जो लास्ट लेयर होती है वो उसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर पूरा इमेज बनता है। रेटिना क्या है, आपके दिमाग को डायरेक्शन देता है कि ये बंदा जो है इस इमेज को दिखाना चाह रहा है। किस वजह से देखा, प्रकाश के माध्यम से देखा, कहाँ से देखा, आंख ने देखा, दिमाग के माध्यम से देखा, और काम कौन आया, प्रकाश आया। किसके किसका प्रकाश आया, सूर्य का। तो उस प्रकाश हम प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश के माध्यम से और चीजों को देख सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील करता है, और प्रकाश स्रोत से निकलकर पहले वस्तु पर पड़ता है, उसके बाद में लौटकर हमारी आंखों पर आता है, तो उसकी जो है इमेज बन जाती है। सब देख लिया आपने, समझ लिया। अब सबसे पहली बात आती है, प्रकाश का नाम आते हैं सूर्य आ गया। भाई सूर्य के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस में तो कहीं से प्रश्न बन सकता है, और अपना बोर्ड कैसा आपको पता ही होता है, लिखता है रामलाल का, पूछता है श्यामलाल का, बोर्ड में ऐसा ही होता है, पेपर वैसे ही आता है। तो संपूर्ण अध्ययन, सूर्य एक तारा है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, ये एक स्टार है। सूर्य क्या है, तारा। अब कहेंगे सर तारे तो बहुत कम चमकते हैं, सूर्य तो आग लगा देता है, तो दोस्तों तारा बड़ा वाला तारा है, ठीक है, तारों का बाप है ये, ठीक है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। अंतरिक्ष में अन्य ग्रह प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। तारों में हाइड्रोजन के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन का संलयन कैसे होता है दोस्तों, जो दो नाभिक होते हैं वो मिलते हैं, उससे बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस होते हैं। अगर प्लस प्लस मिलेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे हमें प्रकाश मिलता है। अब सूर्य ऊर्जा उत्सर्जन करता है, सूर्य में 4×10^26 ध्यान रख लेना जूल सेकंड की दर से ऊर्जा देता है हमें, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है, इसको यहाँ से मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ, लिख देना 4×10^26 याद होना चाहिए, जूल भी लिखा हुआ ये भी याद होना, जूल प्रति सेकंड, एक सेकंड में इतनी जूल ऊर्जा आपको दे रहा है, बहुत ज्यादा दे रहा है ये, ठीक है ना। आगे हम देखें, और 4×10^9 किलोग्राम सेकंड की दर से अपना द्रव्यमान कम कर रहा है, तो ऊर्जा भी दे रहा है और इतना द्रव्यमान कम कर रहा है, देख लीजिए, इतना तो ये कम करता जा रहा है और इतनी ऊर्जा देता जा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप इसको यहाँ से ध्यान रख के ले ले रहे हैं। ये PDF मैं आपको दे दूंगा, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं, जब प्रकाश पढ़ लेते हैं तो फिर वस्तुओं की बात आती है, वस्तुएं कौन कौन सी दिखेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि प्रकाश जो किसी वस्तु पे गिरे, कई बार ऐसा भी होगा प्रकाश है जो अपने पास किसी वस्तु पे गिरता है, ये वस्तु रखी हुई है, इस पर प्रकाश गिरा, प्रकाश गिरने के बाद क्या होता है, ये प्रकाश गिरा साहब, सूर्य का आ गया, कहीं से भी आ गया, प्रकाश गिरने के बाद क्या क्या साहब, वस्तु ने प्रकाश जो है अवशोषित करके बाहर निकाल दिया, तो वस्तु दिखेगी, वस्तु तो दिखेगी लेकिन उस तरीके से नहीं होगी जो आपकी आंखों में ये सारी चीजें आई। अब होगा क्या, पहली वस्तुएं होती है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, वो कहलाती है प्रतिदीप्त वस्तुएं। कौन सी, जिसके पास स्वयं का ही प्रकाश है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है प्रतिदीप्त वस्तुएं, यानी कि सूर्य। सूर्य क्या है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। क्यों प्रकाशित है भाई, जिस प्रकार से आग, आग देखी आपने, अग्नि, अग्नि में कोयला डालते हैं, कोयला काला होता है, आधे घंटे बाद देखेंगे तो कोयला चमकीला हो जाता है, एकदम लाल से चमकने लग जाता है, क्यों हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो वो क्या हो गया, वो प्रतिदीप्त वस्तु हो जाता है, ठीक है ना। उसके पहले कौन सा रहता है, वो दूसरी वस्तु रहता है। तो जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाशित होती है वो होती है प्रतिदीप्त वस्तुएं। अब एक बात ध्यान रख लेना, सूर्य तो आ गया, अब यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य, समझ में आ गया, सूर्य विद्युत और बल्ब, तो ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो आप ये जो कोमा है ना, इस कोमे को मिटा दीजिए, क्योंकि ये एक ही शब्द है। विद्युत कोई चमक नहीं होती, करंट का कोई चमक उत्पन्न नहीं होता है, करंट होता है तो कभी नहीं चमकता है, अर्थ और स्पेस बढ़ते हैं तब चमकता है, अर्थ और नेगेटिव और पॉजिटिव कहीं ना कहीं अगर टच हो जाते हैं तो फिर स्पार्क होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो विद्युत बल्ब जो है वो चमकता है, विद्युत अकेली नहीं चमकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अप्रतिदीप्त वस्तुएं, वो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती है। तो देख लीजिए, प्रकाश पड़ने पर कौन दिखता है, कुर्सी दिखती है, मेज दिखती है, किताब दिखती है, यानी सभी जो चीजें वातावरण में है ज्यादातर जो है अप्रतिदीप्त वस्तुएं हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा इसका। उसके बाद आता है पारदर्शक वस्तुएं।
पारदर्शक वस्तुएं क्या होती है, जिनके होकर प्रकाश निकल जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो गाड़ी का शीशा होता है ना, आपकी फ्रंट, जैसे आपने कोई गाड़ी ले रखी, होंडा सिटी ले रखी, होंडा सिटी का जो सामने का जो शीशा होता है ना, उसके अंदर से प्रकाश आता जाता रहता है, सामने की वस्तु हमें दिखती रहती। अगर वो पारदर्शक ना होगा तो फिर हमें दिखेगी नहीं। तो जो है वो पारदर्शक वस्तुएं होती है जिनके अंदर से निकल जाता है, ये बहुत ईजी है, आपको पता चल जाएगा। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ये थोड़ी दिक्कत करती दोस्तों। कई बार क्या होता है, गाड़ियों में एक ब्लू फिल्म लगा दी जाती है, साइड में नीली पन्नी उसे कहते हैं हम, नीली पन्नी चिपका दी जाती है। उससे क्या होता है, जो प्रकाश है ना बहुत कम आता है, ज्यादा इंटेंसिटी वाला प्रकाश नहीं आ पाता है गाड़ी के अंदर। इस वजह से थोड़ी जो अंदर बैठने वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें थोड़ी सहूलियत महसूस होती है, तो वो होती है पारदर्शक वस्तुएं। आगे देखते हैं, एक होती है अपारदर्शक। अपारदर्शक वस्तुएं जिनमें से प्रकाश जो है पार ही नहीं कर पाता, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो कौन सी होगी, या तो लोहे का बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, धातुओं की बनी हुई कोई चीजें हैं, वो अपारदर्शक होती है। आगे हम देखते हैं, प्रकाश के बाद आती है छाया। दोस्तों किसी के ऊपर प्रकाश डला उसके ऊपर, उसके ऊपर प्रकाश डलने के बाद उसके अगल बगल से प्रकाश निकल के चला गया, तो क्या बनेगी, उसकी छाया बनेगी, ठीक है ना। प्रकाश के स्रोत के सामने वाले अपारदर्शक वस्तु दिखेगी, मतलब अपारदर्शक होगी तो प्रकाश नहीं निकालेगी। यहां से जैसे ही आपने प्रकाश डाला, ये प्रकाश डला और नहीं बनी थी, ये इसकी जो है इधर छाया बन जाएगी, बाद में इधर प्रकाश दिख जाएगा पीछे, तो ये होती है छाया। छाया सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं प्रकाश का संचरण। अब दोस्तों प्रकाश का संचरण है ना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। होता क्या है, प्रकाश अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से संचरण करता है। संचरण करने का सीधा सा मतलब यही है कि विचलन करना, निकलना, ठीक है ना। अब होता क्या है कि निर्वात, निर्वात में एक शब्द का नाम ले लो, निर्वात यानी होता है कोई भी नहीं, ना हवा है, ना जल है, न सघन माध्यम है, न विरल माध्यम, उसे हम क्या कहेंगे, वैक्यूम निर्वात कहते हैं। निर्वात के अंदर प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम ज्यादा होती रहती है माध्यम के अनुसार। सघन माध्यम है तो अलग होगी, पानी के अंदर का माध्यम अलग होता है, वायु का माध्यम अलग होता है, तो सघन और विरल दो माध्यम होते हैं, विरल और सघन। इसी के अनुसार ये जो प्रकाश की जो है गति जो निर्भर करती है, तो इससे हम कहते हैं प्रकाश संचरण। प्रकाश की किरणें यदि सीधी की रेखा में गमन करती है, फिर भी अवरोधों के किनारों पर मूर्ति अर्थात तरंग दे रही है, अत्यंत छोटी होने के कारण महसूस बहुत कम होती है। प्रकाश का अवरोध के किनारे पर मुड़ने की घटना प्रकाश में विवर्तन या डिफ्रेक्शन कहलाती है। प्रकाश में अवरोधों के कारण जो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, उसे हम विवर्तन कहते हैं। ये विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन एक ही जाति के शब्द हैं। आगे हम देखते हैं प्रकाश की चाल। मैंने बता दिया आपको सबसे पहले कि जिस प्रकार से आपका प्रकाश होगा, रिलेटिव कोफिशियंट, एक चीज यहाँ पर ध्यान रख लेना, बहुत बार लगभग हर एक एग्जाम में ये प्रश्न बनता है रिलेटिव कोफिशियंट का, इसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक जिस माध्यम में जो होगा उसके अनुसार उसकी गति निर्भर करेगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश में प्रकाश जो गति करता है उस माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रेक्शन कोफिशियंट या रिफ्रेक्शन इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है, जो अपवर्तनांक होगा उसी के अनुसार से ये होगी। अपवर्तनांक भी मैं समझाऊंगा क्या होता है। अब एक चीज आप सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिए, अगर किसी चीज का अपवर्तनांक जो है कम है, तो प्रकाश उसमें क्या होगा, अधिक तेज गति से मूव करेगा, और ज्यादा है तो कम तेज गति से मूव करेगा। यहाँ पे लिखा है जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश की चाल उस माध्यम में उतनी ही कम होगी। तो मैंने क्या कहा, जितना अपवर्तनांक कम होगा उतना तेज जाएगा, और जितना अपवर्तनांक यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना अपवर्तनांक अधिक होगा उतना कम तेज जाएगा, बात एक ही है। ये प्रश्न बन सकता है अपवर्तनांक वाला कि अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की गति क्या होगी, तो डेफिनेटली प्रकाश की गति जो है कम ही होगी। अपवर्तनांक क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं तो आपको बता रहा हूँ अपवर्तनांक क्या होता है। दोस्तों पानी के अंदर प्रकाश डाला आपने, पानी भरा हुआ है, अब इसके अंदर सघन माध्यम है बिल्कुल एकदम, बहुत ज्यादा कण जो है इधर मूव कर रहे हैं, तो प्रकाश को जाने में निकलने में बड़ी दिक्कत होगी। सीधी रेखा चलती है प्रकाश के, मैंने ऐसे डायग्राम बनाया, बड़ी दिक्कत होगी ना भाई। हवा के अंदर प्रकाश एकदम सीधा सीधा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, और हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिल्कुल निर्वात है, तो और तेज गति से एकदम सीधा जाएगा। तो यही अपवर्तनांक होता है कि कहां उसे प्रकाश को निकलने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत का कोफिशियंट कोई अपवर्तनांक कोफिशियंट अपन कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया।
अपवर्तनांक अपने को कम करना है अगर प्रकाश की गति बढ़ानी है तो। ध्यान रख लेना मैं शब्द बोल रहा हूं, वही एग्जाम में आपके छपने वाले हैं। और एक छोटा सा प्रश्न यहां से और बनता है, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट और 16 सेकंड का, ये रट लेना भाई, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, 8 मिनट और 16 सेकंड, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। 8 मिनट और 16 सेकंड का वक्त लगता है सूर्य को, आप देख लीजिए कितना लगता है। अब ये कई बार पूछा गया चीज है तो मैंने यहाँ पे लग दिया है, ये पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात यानी कि कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, तो क्या होगी, 3 × 10^8। और जैसे जैसे माध्यम बढ़ते जाएंगे जो चाल जो है घटती जाएगी, ठीक है ना, तार पिन के तेल में इतनी हो जाएगी, नाइलॉन में इतनी हो जाएगी, कांच में इतनी हो जाएगी। अब प्रकाश को जो है निर्वात में चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी में चलेगा थोड़ी दिक्कत आएगी, अब पानी के अलावा कांच में चल रहा है तो और ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई कांच तो ज्यादा होता है ना कठोर, पानी तो बहुत पतला होता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे नीचे आएंगे इसकी जो गति जो है वो कम होती जा रही है, आप देख सकते हैं पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 2.00 है, इस प्रकार से कम होती जा रही है, 1.96 रह जाती है। अब आता है अपना मेन टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों इतनी रामलीला करनी पड़ती है जब जाके अपन सीख पाते हैं, इन लेक्चर्स का आप लाभ लीजिए, बहुत बढ़िया लेक्चर है। शुरू करता हूं लेक्चर को, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझिए। जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है, किसी भी पृष्ठ पर पड़ेगा चिकने या चमकदार पर, तो अधिकांश भाग जो क्या है विभिन्न दिशाओं में वापस लौट जाता है। यानी एक अपने पास ये है, ये चमकदार है, यहाँ पीछे सिल्वर लगा हुआ है, आपने देखा होगा, जैसे इस पर पड़ेगा तो कई बार तो इधर आ जाएगा, कई बार ऐसे इधर आ जाएगा, कई बार ऐसे इधर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे गिरता रहता है, प्रकाश की ये प्रवृत्ति होती है। तो होता क्या है, चिकने और चमकदार पे गिरता है तो वापस लौट जाता है। इसी प्रकार किसी पृष्ठ से टकराकर प्रकाश वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है, परावर्तित हो जाना, गया टकराया वापस आया, तो इसे ही परावर्तन कहते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न ये, प्रकाश को वापस लौटने की घटना को अपन परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं क्या होता है साहब, ये प्रकाश का परावर्तन यदि पृष्ठ अपारदर्शक है, आप समझ लिया ना आपने पारदर्शक क्या होता है, अर्ध पारदर्शक क्या होता है, तो इसके अलग अलग होंगे अब, ठीक है ना, यहाँ काम आती है पढ़ाई। अपारदर्शक है तो कुछ इसका भाग अवशोषित हो जाएगा, यानी कि कुछ भाग जो है उसके अंदर ही रह जाएगा। यदि पारदर्शक है तो कुछ भाग पृष्ठ के पार निकल जाता है। अगर मान लो प्रकाश है, सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाने की होती है, ये है ये पारदर्शक है, प्रकाश आया बाहर निकल गया, क्योंकि भाई ये पारदर्शक है, इसमें कोई इधर सिल्वर तो लगी नहीं है। जैसे सिंपल कांच होता है अपना गाड़ी का, और एक अपना आईना देखने वाला कांच होता है, तो आईना देखने वाले कांच में तो टकराता है, अपने फेस पे गिरता है तो अपना फेस दिखता है, लेकिन सिंपल कांच में नहीं दिखता, वो डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है ना, इसी वजह से नहीं निकल जाता है। चिकने वो चमकदार पॉलिश वाले जो दर्पण होते हैं उनमें अधिकांश प्रकाश जो है परावर्तित होता है, यानी परावर्तित होता है तो अपना चेहरा दिखेगा उसके अंदर, ठीक है ना। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसके पीछे क्या लगा होता है, जो अपन देखते हैं ना चेहरा, उसमें किसी भी क्या लगा था, सिल्वर का लगा होता ना, तो यहाँ से टकराता है और अपने चेहरे पे गिरता है, यहाँ से टकरा अपने चेहरे पे गिरता है, इसी को सिंपल दर्पण अपन कहते हैं। आगे चलते हैं, और होता क्या है, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत सीधी रेखा को अभिलंब तथा जो किरण परावर्तक तल पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। तो दोस्तों ये है, ये गिर रही है, ये क्या है, ये है आपकी आपतित किरण और ये है अभिलंब, ठीक है ना, इसे अभिलंब कहेंगे, ये गिर रही जो आपतित किरण ये अभिलंब है, इस प्रकार से ये होता है। आगे देखते हैं, आपतित किरण जब वापस लौट जाती है तो उसे परिवर्तित किरण कहा जाता है, जैसे ही वापस लौटेगी उसे परिवर्तन किरण कहा जाता है। आपतित किरण वो अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण एवं अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, ऐसे टकराई यहाँ से आई आपतित किरण और जो अभिलंब बना ये परावर्तित हो गए, अपने पास अभिलंब के बीच का कोण होगा उसे आपतन कोण कहा जाएगा, और जो परावर्तित किरण के बीच के कोण होगा इसे परावर्तन कोण कहा जाएगा, ठीक है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब ये दो चीजें पूछी जाती है, कई बार इनको रट लीजिए। प्रकाश का परावर्तन दो नियमों पर आधारित होता है, कौन कौन से नियमों पर आधारित होता है भाई, दो नियम है,
आपतित किरण परिवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में हो। पहली बात होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में हो। दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो। दो ही नियम है ये। अंदर क्या होता है इनके नियम का कभी नहीं पूछा जाता, ये दो नियम ही पूछे जाते हैं। अंदर की रामलीला पढ़ने की जरूरत नहीं, फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब प्रकाश का अपवर्तन आता है। परावर्तन तो परावर्तित हो गया, टकराया, पीछे चला गया वापस, ठीक है ना, आपको दिख गया सब कुछ। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, उसमें तो परावर्तन में क्या हो रहा था, ये सिंपल सा ध्यान रखना है। प्रकाश आया, टकराया दर्पण के, इधर मुड़ा, उधर गया, कुछ भी हुआ, यहाँ दर्पण आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, माध्यम आ रहा है। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, ये पानी है यहाँ पर, यहाँ से हवा में चला गया, या हवा से पानी में आया, या पानी से कांच में गया, मतलब जो है माध्यम उसका परिवर्तित होता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय एक माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ के विचलन होने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। यानी क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना जो है उसकी जो गति होती है, प्रकाश की रेखीय गति, वो विचलित हो जाती है, उसे कहा जाता है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन या साधन दोनों एक ही चीज है, प्रवेश करती है, तब किरण साधन माध्यम के पृष्ठ अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी कि क्या होगा, कोई प्रकाश की किरण है जो ये है अपने पास, यहाँ पर लिखा हुआ है पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर सघन माध्यम होता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, दो माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जा रही है, तो होगा क्या, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, यानी हवा से पानी के अंदर जाएगी, तो एक बात आपको ध्यान रख लेना, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये विरल माध्यम है और साधन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सघन होता ही है, ठीक है ना। सघन माध्यम में जाएगी तो होता क्या है, अभिलंब की ओर वो मुड़ेगी, विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। देख लीजिए, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, डायरेक्ट पूछेगा अभिलंब की ओर मुड़ेगी या दूर हटेगी, तो सघन से विरल में जाएगी क्या होगा, दूर हटेगी, और विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा, पास उसकी ओर मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर, और जब 90 डिग्री एंगल पर एकदम सीधी गिरेगी तो किधर भी नहीं मुड़ेगी, वो सीधी ही निकल जाएगी। ये फॉर्मूला होता है सघन माध्यम और अभिलंब माध्यम। देख, लेकिन जो किरण लंबवत किसी माध्यम में प्रवेश करती वो किसी भी तरफ न झुक करके सीधी निकल जाती, प्रकाश के परावर्तन के कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में पानी प्रकाश का योग जो है भिन्न भिन्न होता है, तो ये रूप है, आपको ये ध्यान रखना। अब दूसरी जो काम की बात है वो अपवर्तन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग चीजों के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, जैसे मान लो हवा में चलेगा अलग होगा, कांच के अंदर चलेगा अलग होगा, पानी के अंदर चलेगा, प्रकाश का जो है वेग अलग अलग होगा, तो प्रकाश के लिए वेग भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। यानी यह होगा कि जैसे मान लो पानी है, पानी में प्रकाश डाला लेकिन इसमें तो अपवर्तनांक होता है, तो क्या होगा, पानी में प्रकाश धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है, अपन ने एक हेलोजन लगा दी बहुत बड़ी और पानी में डाला, तो पानी से प्रकाश एकदम तेज तेज निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों आपको दिख जाएगा, अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, कब होगा, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या भाई, लाइट की जो किरण निकल रही वही तो तरंग दैर्ध्य है, तो इस तरीके से यह होता है। आगे क्या होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग आपको समझ में आएगा क्यों अधिक होता है, क्योंकि दिखता है नहीं कुछ, वही सुन दो, कारण लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सीधी सी बात है, इसमें तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य जो है घटेगा। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान कम होता है, सीधी सी बात है, ताप बढ़ाएंगे तो जो अणु है वो गति करने लग जाएंगे और बहुत पतला जो है हर एक चीज हो जाती है। जैसे मान लो शक्कर का पानी, वैसे कितना कठोर टाइप होता है, जैसे आप उसको गर्म करेंगे एकदम चाशनी कितनी पतली पानी की तरह हो जाती है, इस प्रकार का ही काम होता है। परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति जो है ताप के साथ नहीं बदलेगी। अपवर्तनांक के कारण पानी में डूबी हुई जो कोई लकड़ी है वो ऊपर दिखाई देती है, चम्मच जो है थोड़ी सी बार और टेढ़ी दिखाई देती है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना भी ये पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल होता है। अपवर्तनांक का तालाब की गहराई का कम प्रतीत होना भी अपवर्तनांक का है, सूरज की स्थिति दिशा से नीचे होना भी दिखाई देना
अपवर्तनांक के कारण। तो ये कारण पे कई बार प्रश्न बने, एक बार और पढ़ देते हैं। चम्मच का टेढ़ा होना दिखाई देता है, लकड़ी का मोटा होना दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हैं, ये अपवर्तनांक कारण ही होते हैं। अब आगे देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, बोर तो नहीं हो रहे ना, बहुत लंबा लेक्चर होता है अपना, हम मेहनत कर रहे हैं आप भी करिए दोस्तों, एक एक चीज को दो दो तीन तीन बार समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, इसका मकसद यही होता है कि आपको समझ में आए। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ नहीं होता, ऐसे मान लीजिए आप प्रकाश की किरण यहाँ से गई, यहाँ से 90 डिग्री कोण एंगल पे मुड़ेगी, फिर वापस टकराएगी, फिर मुड़ेगी, फिर टकराएगी, फिर मुड़ेगी, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी टकराते 90 डिग्री के कोण पे वापस परावर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल इफेक्ट इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यही होता है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसमें भी सघन माध्यम से माध्यम प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है, मैं पहले बता दिया मैंने, वही रामलीला बाद में लिखी हुई उन्होंने, आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, और ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण का जो कोण होता है वो 90 डिग्री, सीधी सी बात है जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया भी, क्या है कहीं भी टकराएगी, कहीं भी जाए ऐसे टकराएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री पे निकल जाएगी, तो 90 डिग्री ये एंगल होगा। इससे ही हम क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये पूरी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रख लें 90 डिग्री कोण पर परावर्तित हो जाती, सारी चीज आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। अब हीरे का टिमटिमाना, हीरे का चमकना टोटल इंटरनल इफेक्ट का एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। गर्म और ठंडे प्रदेशों में मरीचिका होती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। टूटे कांच का अधिक चमकना भी, क्यों भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ज्यादा हो गया तो चमकेगा ज्यादा। आंशिक जल से भरी हुई प्रकनली में जल को डुबोने पर चांदी की तरह चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही जो है एग्जाम्पल। ये सारे रट लेना दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेडिकली प्रकाशीय सिग्नल संचरण के लिए, एक आपको एक बात और बता दो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से आपका इंटरनेट भी चल रहा है, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर क्या है कि आपका डेटा सिग्नल जो है वो भेजा जाता है, और उसमें टोटल इंटरनल इफेक्ट पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, ऐसे ऐसे आपका डेटा बहुत तेज गति से निकलता है, तो इस प्रकार से इसका यूज होता है। ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर उसके बाद प्रतिबिंब आता है, किस प्रकार से सामने वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है, वो सारा टॉपिक आपको पता है। छाया प्रतिबिंब एक ही चीज होता है, मैंने पहले बता दिया आपको सारी चीजें। तो आज आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें लिख के बताएं, बहुत बड़ा ये लेक्चर हो गया है, और फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together.